हेलो दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। MIS एंड डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग में हम डेटा इंटीग्रेशन के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में अभी जान रहे हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी, इसमें हम नंबर की फॉर्मेटिंग सीखेंगे, किस किस तरीके से हम नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। और हम क्योंकि MIS के लिए इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, तो हम शॉर्टकट कीज पर बहुत ध्यान देने वाले हैं। हर एक ऑपरेशन को करने की शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप माउस का यूज ना के बराबर कर सके और कीबोर्ड से टकाटक आप अपने सारे ऑपरेशन एक्सेल में परफॉर्म कर पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक सीट में कुछ सैंपल डेटा लिख कर रखा हुआ है, जिसको हमें अलग अलग तरीके से फॉर्मेट करना है। जैसे नंबर फॉर्मेट करने हैं, डेट, टाइम, डेसिमल, परसेंटेज, करेंसी और साइंटिफिक भी हमको अपने डेटा को फॉर्मेट करना है। हमारे पास एक कॉलम में इनपुट है और दूसरे में हमने आउटपुट लिखा हुआ है, मतलब हमारा इनपुट इस तरह से हो रहा है और हमको इसको फॉर्मेट करके आउटपुट इस तरीके से दिखाना है। सो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर को फॉर्मेट करना सीखते हैं। उस सेल पर जाएंगे जिसकी हमें नंबर फॉर्मेटिंग करनी है। उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड की प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपका जो डेटा था, जो कि डेट के फॉर्मेट में शो हो रहा था, अब नंबर के फॉर्मेट में शो होने लग जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी लिख लेते हैं, जो कि है हमारी कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल्ड की। जो टिल्ड की है, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की एस्केप की के बिल्कुल नीचे मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे एक सेल में हमारी डेट जो है नंबर की तरह दिख रही है। इसको अगर आपको डेट की तरह फॉर्मेट करना है, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और हैश की प्रेस कर देना है, जिससे कि आपकी जो नंबर की तरह दिखने वाली डेट है, वो डेट की तरह शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की क्या है वो लिख लेते हैं हम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश की। ये प्लस प्लस जो लिखा है, प्लस आपको दबाना नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट और हैश की दबानी है। और किसी भी शॉर्टकट की को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उसको बार बार यूज करो, इतनी बार यूज करो कि आपकी उंगलियों को याद हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, अब एक सेल में देखें। सो हमारा जो कि टाइम है, वो कि डेसिमल नंबर में हमको शो हो रहा है। अगर आपका टाइम कहीं पर डेसिमल नंबर की तरह शो हो रहा है और उसको आपको टाइम में फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से, जिससे कि आपका डेसिमल में दिखने वाला टाइम टाइम फॉर्मेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की लिख लेते हैं, जो कि है हमारी कंट्रोल के साथ हमको प्रेस करना है शिफ्ट और फिर एट द रेट या एम्परसेंट की। ऑलराइट दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नंबर है जो कि एक डेसिमल नंबर है। आप देखोगे अगर फॉर्मूला बार में, तो इसमें ये नंबर हमारा है 675.78, बट हमें सेल में क्या शो हो रहा है 676। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिखाना है, डेसिमल में शो करना है। वो कर सकते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट और उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क की प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्मेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ शिफ्ट की और एक्सक्लेमेशन मार्क की। किसी नंबर को अगर परसेंटेज में शो करना है, आपको परसेंटेज में फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटाइल वाली जो की होती है वो आपको प्रेस कर देनी है, इससे कि आपका नंबर परसेंटेज में शो होने लगेगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज की। सो यहां तक आप देख रहे हैं, जितने भी नंबर फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं वो कंट्रोल शिफ्ट की हमें प्रेस करनी है, और उसके बाद हम टिल्ड दबाते हैं नंबर को फॉर्मेट करने के लिए, डेट फॉर्मेट के लिए हम हैश की, टाइम फॉर्मेट के लिए एम्परसेंट या एट द रेट की, डेसिमल फॉर्मेट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क की और परसेंटेज के लिए परसेंटेज की।
अब किसी नंबर को आपको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो या नंबर के आगे आपको डॉलर शो करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की प्रेस कर देंगे। क्या शॉर्टकट की हमें प्रेस करनी है नंबर को करेंसी में फॉर्मेट करने के लिए? कंट्रोल शिफ्ट डॉलर की। साथ ही एक और चीज यहां पर आपको सिखा देते हैं, जैसे कि अभी हमारी ये जो वैल्यूज है इसमें डेसिमल जो वैल्यू है वो भी हमको शो हो रही है। अगर हम नहीं चाहते कि डेसिमल वैल्यू हमको शो हो तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं वो आपको सिखाते हैं। आपको होम टैब में जाना है, इसके बाद नंबर वाला जो ग्रुप है इसमें आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो है कि अगर आपको डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। देखिए पहले दो जीरो थे डेसिमल के बाद, अब तीन हो गए। और दूसरा है हमें डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जितनी बार क्लिक करेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस हमारे नंबर फॉर्मेट से गायब हो जाएंगे। हमारे पास तीन अभी डेसिमल प्लेसेस थे तो हमने तीन बार इसको क्लिक किया और अब हमारे डेसिमल प्लेसेस डेसिमल वैल्यू नहीं शो हो रही है। एक और बात आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर आप डॉलर साइन नहीं शो कराना चाहते, आप करेंसी में कोई और साइन शो कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर सी ग्रुप में सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो करेंसी सिंबल हमारे नंबर के आगे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको रुपीज करना है तो फिर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे और इसमें सिंबल आप फिर रुपीज वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा रुपीज वाला सिंबल ये है, हम हिंदी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करें तो देखिए अब हमारा रुपी वाला सिंबल हमारे नंबर के आगे शो हो रहा है। अब किसी नंबर को अगर आपको साइंटिफिक फॉर्मेट करना हो, साइंटिफिक जो वैल्यू होती है उसमें फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट कैरेट की प्रेस करनी है। क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है? कंट्रोल शिफ्ट कैरेट की। हालांकि मैंने तो कभी साइंटिफिक फॉर्मेट का यूज नहीं किया है पर आपको इसकी शॉर्टकट की जरूर पता होनी चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक सब क्लियर है ना? अगर यहां तक आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सबसे लास्ट में एक काम और करते हैं, जो शॉर्टकट कीज हमने सीखी है नंबर को फॉर्मेट करने की इनकी कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। डेटा वाली सीट पर आते हैं, इसमें जो दूसरा कॉलम है उसमें कुछ इम्प्लॉय की डीओजी मतलब की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है जो कि डेट फॉर्मेट में शो होनी चाहिए सीट में, बट ये नंबर में शो हो रही है तो इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं शॉर्टकट की का यूज करके। उसके लिए जहां तक भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारी उन सारे सेल को हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए हम पहले वाले सेल पर जाएंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी उस कॉलम में जितनी भी डेट से जितनी भी सेल में वैल्यूज लिखी हुई है अगर बीच में कोई स्पेस नहीं है तो सारा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट हैश की। देखिए हमारे कॉलम में जितनी भी वैल्यू थी वो सारी डेट फॉर्मेट में फॉर्मेट हो गई है। अब हम एक चीज और सीखते हैं कि जैसे आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आप ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे कि कहीं पर कुछ एम्प्लॉयज को टारगेट मिला होगा और उस टारगेट में से उन्होंने कितना अचीव कर लिया है, उसकी प्रोडक्शन परसेंटेज आपको निकालनी है, उन्होंने कितने परसेंट प्रोडक्शन किया है। तो ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें इक्वल टू लिखना है, उसके बाद उन्होंने कितना टारगेट अचीव कर लिया है उसको डिवाइड कर देंगे हम टारगेट से, जिससे कि हमारी उन्होंने कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में शो भी करा देते हैं जो भी ये हमारे नंबर्स आ रहे हैं। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करके पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज की हमें प्रेस करनी है परसेंटेज में प्रोडक्शन दिखाने के लिए कि कितने परसेंट टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है। अब जो अगला कॉलम है इसमें कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी हमने लिखी हुई है, इसको हमें डॉलर्स में दिखाना है क्योंकि ये सैलरी डॉलर्स में है। तो उसके लिए हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे सैलरी वाले कॉलम का डेटा, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर की प्रेस करके डॉलर में सैलरी को हम फॉर्मेट कर देंगे।
अब मान लीजिए कि आप कहीं पर वो डेटा शो करा रहे हैं कि कितने दिन एम्प्लॉई ऑफिस में प्रेजेंट रहा है, तो हो सकता है किसी दिन वो हाफ डे में आया हो, किसी दिन फुल डे में आया हो। तो अगर आपको टोटल प्रेजेंट डेज को डेसिमल में शो कराना हो, तो उसके लिए आप पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क की, जिससे कि डेसिमल में आप अपनी वैल्यूज को शो करा सकते हैं। अगर आपको दो प्लेस तक शो नहीं कराना है, अगर एक ही प्लेस शो कराना है, तो आप होम टैब के अंदर नंबर्स में जाएंगे और एक डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि डॉट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल वैल्यू शो होगी। अब सबसे लास्ट में ये सीखते हैं कि एक कॉलम में हमने एम्प्लॉय ने किस किस टाइम लॉग इन किया था वो शो हो रहा है, पर ये डेसिमल नंबर में शो कर रहा है। इसको अगर हमें टाइम में शो कराना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करके पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर टाइम में फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट या एम्परसेंट की जिसको बोलते हैं वो हमें प्रेस कर देनी है, जिससे कि हमारी जो वैल्यू डेसिमल में शो हो रही थी टाइम में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने सीखा कि हम तरह तरह से नंबर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमने एक नंबर को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करना, डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट, करेंसी और साइंटिफिक फॉर्मेट में फॉर्मेट करना हमने सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एक और अच्छी सी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए और साथ ही खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।